कंटिन्यू विद इंस्टा सेविंग अकाउंट, कंटिन्यू विद डिजिटल सेविंग अकाउंट। दोस्तों इन दोनों के बारे में अंतर क्या है, आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल से जाने, चलो वीडियो देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इंस्टा अकाउंट और डिजिटल अकाउंट में अंतर क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं इंस्टा अकाउंट की। तो इंस्टा अकाउंट में भी दोस्तों एज लिमिट है, मतलब कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा है दोस्तों आपको हाथों हाथ खाता संख्या मिल जाएगी, मतलब जब आप इसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में पूरा फॉर्म भर देंगे तो हाथों हाथ इंस्टेंटली आपको क्या मिल जाएगा, आपके अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, खाता संख्या मिल जाएगी। तीसरी बात ये है दोस्तों इसके अंदर आपको पासबुक और चेकबुक दोनों नहीं मिलेंगे, मतलब जब आप इंस्टा अकाउंट खुलाएंगे तो ना तो आपको पासबुक मिलेगी और ना ही आपको चेकबुक दी जाएगी। चौथी बात ये है दोस्तों एक साल के अंदर अंदर, मतलब जब आज आप खुलवाते हो अगर खाता इंस्टा अकाउंट ऑनलाइन ऐप के जरिए, तो एक साल के अंदर सिर्फ एक बार आपको बैंक जरूर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो खाता है ये क्लोज कर दिया जाएगा। चौथी बात दोस्तों ये है कि एटीएम में आपको सिर्फ रुपए कार्ड मिलेगा और कोई भी एटीएम कार्ड, मास्टर और वीजा कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ रुपए कार्ड मिलेगा। और छठी बात दोस्तों ये है कि साल में आप एक लिमिटेशन है पैसे विड्रॉल करने की और उसके अंदर पैसे रखने की, मतलब कि उसके अंदर आप एक जैसे जो भी बैंक की निर्धारित लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप अपने खाते में पैसे रख सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं अपने डिजिटल अकाउंट की। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट में दोस्तों इसी की तरह इंस्टा की तरह उम्र 18 वर्ष से मतलब कि कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें खाता संख्या, अगर उसमें तो देखा था कि हम लोगों ने खाता संख्या आतो आत मिल रही थी, इसके अंदर दोस्तों आपको खाता संख्या लेने के लिए, मतलब कि अगर आप फॉर्म भर देंगे पूरा ऐप के जरिए, पूरा कंप्लीट भी कर देंगे, लेकिन आपको खाता संख्या उधर नहीं मिलेगी, आपको उसको लेने के लिए बैंक जरूर जाना पड़ेगा और बैंक जाने के बाद KYC करवानी पड़ेगी, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको बैंक के जरिए खाता संख्या प्रोवाइड करवाई जाएगी। तीसरी बात दोस्तों ये है कि पासबुक और चेकबुक दोनों के दोनों डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको बैंक से मिलेंगे। और चौथी बात दोस्तों इसमें रुपए कार्ड, वीजे कार्ड और मास्टर कार्ड तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, मतलब कि जब आप मोबाइल के जरिए डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो इन तीनों में से आपको कोई भी कार्ड मिल जाएगा। चौथी बात है दोस्तों, मतलब कि पांचवी बात है सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है कि आप कितना भी पैसा अपने खाते में रख सकते हैं और लेन देन कितनी भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है पैसे की, आप कितना भी पैसा अपने खाते में रख सकते हैं और कितना भी लेन देन कर सकते हैं।